तो भाई लोग सभी लोग का स्वागत है आज के एक नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है अजय और आप लोग देख रहे हो ट्विटिंग यूट्यूब चैनल। और आज आप लोग वापस से बनाने वाले हैं बचा हुआ क्लॉक टावर, जिसे कि आप लोग जानते हो मैंने और अभिनव ने इसके पहले वाले एपिसोड में स्टार्ट किया था क्लॉक टावर बनाना। और आज वापस से हमारे साथ है अभिनव भाई, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं और अभिनव स्टार्ट करने वाले उस काम को जो बेसब्री से अपन लोग सबको इंतजार था, क्लॉक टावर बनेगा तो बाद में कैसा बनेगा, तो वही चीज को आज अपन लोग पूरा वार करने वाले, एकदम बढ़िया तरीके से बनाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आज के वीडियो के अंदर आपको बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। जैसे कि आपने पहले एपिसोड के अंदर देखा था, इसके जो पहला एपिसोड था क्लॉक टावर का, उसके अंदर हमने ना यहाँ पे फैक्ट्री की साइड पे सीढ़ियां बना दी थी। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये वाली सीढ़ियां मैंने बना दी थी। एंड इसके अलावा और भी चीजें की थी, बट उससे पहले मैं खाना खा लेता, और चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, बट उससे पहले खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये ले लिया मैंने खाना, और खाना खा भी लिया है, ले भी लिया है और खा भी लिया है। अभी आ जाओ मैं ऊपर की साइड ना एक चीज आपको दिखाता हूँ। हम लोगों ने काम का जो स्टार्ट किया था ना वो यहाँ तक पहुंच गया था, लाइक ये सीढ़िया यहाँ पे बना दी थी एंड उसके अलावा वहां पे भी हम लोग ने सीढ़िया बना दी थी। अब यहाँ पे जो काम बाकी ना, आपको लगेगा कि ये तो स्विमिंग पूल है, बट नहीं, ये पाए है जो यहाँ पे क्लॉक टावर बनेगा। अब कैसे बनेगा अब मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे वैसे ना फर्निश मैंने और अभिनव ने लगा दिया है, जिसके अंदर अभी बन रहे स्टोन। अपन स्टोन के साथ एक पूरा का पूरा लेयर बनाने वाले, जो लेयर एकदम ओपी होगा। तो यहाँ पे अभी मेरे पास कोबलस्टोन जो है बहुत ज्यादा है, उसको बारी बारी अपन कोल के साथ इसके अंदर डालेंगे और बना लेंगे स्टोन। तो इसको अपन लोग स्टोन के साथ करने वाले रिप्लेस, और स्टोन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाले। तो आज अब स्टोन के साथ अपन लोग अपना काम का स्टार्ट करते हैं। अब किस तरीके से लगाना मैं बताता हूँ। ये पूरी जो दीवार बनेगी ना यहाँ पे, ये स्टोन की बनेगी, ताकि एकदम बढ़िया तरीके से लुक आए। वैसे यहाँ पे ना मैं इसके साथ भी बना सकता था, बट मैंने सोचा कि इसके साथ नहीं बनाया, स्टोन ब्रिक्स के साथ। देखो ये चीज तो हमने बना ली है, अब कुछ चीजें तो अलग करनी थी ना, तो मैंने और अभी उन्होंने सोचा क्यों ना अपन लोग स्टोन के साथ, सिर्फ और सिर्फ स्टोन के साथ ये चीज को किया जाए, क्योंकि ये चीज काफी सही चीज भी है और मतलब अच्छा लुक भी देगी। तो यहाँ पे हमने काम काज तो स्टार्ट कर दिया है। अभी पूरी जो दीवार है ना, आपको दिखेगी कि एकदम बढ़िया तरीके से हमने स्टोन के साथ बना लिया है। अभी एक और रास्ता है, एक और चीज करेंगे, बट उससे पहले मैं पहले ना पूरी की पूरी एक जो चीज है उसको खत्म कर देता हूँ, एक लेयर बना लेता हूँ, एंड उसके बाद अपन लोग स्किप करके आपको डायरेक्ट दिखाया गया है जो बना हुआ है वो। वैसे मैंने ना यहाँ पे गलत ये चीज लगा दी, तो इसको हटा देते हैं इधर से और सही तरीके से लगा देते हैं। तो भाई लोग हमारा ना काम ऑलमोस्ट अभी खत्म ही होने वाला है। हमने यहाँ पे जैसे मैंने बोला था स्टोन के साथ ये चीज करनी है, वैसे मैंने यहाँ पे इसको गलत लगा दिया, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अभी नीचे की साइड से तुम देखोगे ना, तुम्हें लगेगा एकदम खाली खाली इलाका है, बट इसके साथ भी छिपा एक रास्ता, वो रास्ता मैं आपको बताऊंगा, बट उसके पहले अपन को ऊपर की साइड जाना होगा, वरना अभिनव अपन को नीचे ही ब्लॉक कर देगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। आ जाए ऊपर। अरे यार अभिनव, थोड़ा यार तेरे से डर रहा हूँ, पता है मेरा कैरेक्टर देख। एक मिनट मेरे को ऊपर आने दे पहले। ओके अब लगा दे, अब इसको पूरा कर देते आज। तो देखते ही देखते हमने यहाँ पे ये पूरा का पूरा कवर बना दिया। अब तुम लोग देख के बता सकते हो कि स्विमिंग पूल है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं इसके पहले वाले एपिसोड में, अज्जू भाई आपने तो स्विमिंग पूल बना दिया। तो स्विमिंग पूल नहीं था, वो एक रास्ता था जो अपन को बनाना पड़ा। बिकॉज ऑफ देखो, अब इसके नीचे क्या कोई नहीं जानता, जाहिर सी बात इसको मैं तोड़ूंगा ना, नीचे दिखेगा एकदम भूमि, यहाँ से अगर मैं नीचे कूदा तो डैमेज भी आ सकता है। यहाँ पे वापस से लगा देते, फालतूगिरी नहीं करनी है अपन को। तो यहाँ पे मैंने ना ये सभी चीजें क्लियर कर दी, यहाँ पे बना लिया है। अब इसके ऊपर बनेगा एक घर, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हो, घर बहुत ही बेहतरीन दिखता है। उस घर को अभी अपन लोग बनाने वाले, तो मैं और अभी नो प्लानिंग कर लेते हैं पहले किस तरीके से कहाँ पे पाए डालेंगे घर के और कैसा दिखेगा घर। तो आज मैं और अभी नो पहले प्लानिंग डालते हैं, थोड़ा प्लानिंग बनाते हैं, उसके बाद आपको आधा घर बना हुआ ही दिखाएंगे। तो भाई लोग मैं अभी जो आप लोगों को खुशखबर देने वाला हूँ ना, उससे पहले मेरे को जोंबी से लड़ना होगा, क्योंकि रात हो चुकी है। और खुशखबर यह है कि मैंने बहुत सारी चीजें बना ली है, मैंने बहुत सारी चीजें आई नो स्कीप करी हुई है। बिकॉज मैं अगर ये पूरी चीजें आपको दिखाता ना, तो आप मतलब लिटरली बोलते अज्जू भाई ये लंबा कुछ ज्यादा ही लंबा वीडियो हो रहा है। और मेरे पीछे अभी फिलहाल पड़े है जोंबी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ तक का काम कर दिया है मैंने और अभिनव ने, सैंडस्टोन बना लिए है क्राफ्टिंग टेबल से, एंड इसके अलावा और भी वैक्स स्लेब वगैरह सब लेके आप लोग यहाँ पे चीजें डाल दी है। आई थिंक आधा हमने क्लॉक टावर का घर बना लिया है, बट उससे पहले हमें सोना होगा अभी, वरना अपन को ये जोंबी लोग मार डालेंगे और अपना वीडियो यहाँ पे ही फिनिश हो जाएगा। ये रहे जोंबी, तो आ जाओ थोड़ा सो लेते अभी ना, फटाफट से आ भाई, मरना नहीं है मेरे को, फाइट करनी है। क्या बोलता है, फाइट करते, आ जाने का जोंबी को मारते है। मार, 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 मार। आज तो भाई इसको लपेटे में ले गए यार। अरे मेरे पास, अरे भाई वो टूट गई मेरे पास, गोल्ड वाला था ना, गोल्ड सोर्स टूट गया भाई। मार 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 मार, बहुत आड़ बहुत आड़ बहुत आड़। सो जाते, छोड़ दे, ज़ोंबी आसपास है तो सोने भी नहीं देंगे यार, हटाओ भाई। ये डेजर्ट जाने का ना प्लान बहुत वाहिया था, जो भी बोल भाई, अब डेजर्ट कभी नहीं जाना, यहाँ पे आने के बाद रात हो जाती और रात में ज़ोंबी भाई जीने तक नहीं देते। मार मार मार, सो जाते, सीधा सीधा सो जा। अरे मेरा बिड किधर, अरे ऊपर जाना चिमकांडी। तो भाई लोग हम लोग सो भी चुके हैं और यहाँ पे मॉर्निंग भी हो चुकी है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो सुबह हो गई मामू।
तो यहाँ पे अभी आप लोग अपना काम स्टार्ट करने वाले, तो अभी ना भाई फटाफट से वो जो बाकी बची हुई चीजें है ना उसको क्लियर कर देते हैं, और ये सब चीजें लगाए यहाँ भाई लोग, ये देख रहे हो सब लोग, ये सभी चीजें की लाइन बनाया, बहुत ज्यादा मेहनत किया। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लेगा, वैसे फन था, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ना एक चीज बोलू तेरे को, हाँ बुरा मत मानना, तू चिमकांडी तो है भाई, तेरे को मेरे को डेजर्ट पे लेके जाने की क्या जरूरत थी भाई, अभी रात करवा दी तूने यार। अरे अरे मैंने सेंड डाल दिया गलती से यार, मानसिक संतुलन आदमी का खराब हो ही जाएगा भाई। भाई कितना बोरिंग हुआ था गाइस, तुम लोगों को पता है बीच में जब हम डेजर्ट गए थे ना भाई, इतना बोरिंग फील हो रहा था, तो मैंने इसीलिए बीच वाले पार्ट सभी काट दिए, मैंने बोला जो मेन चीज है वही दिखाएंगे। और आई होप आप इस वीडियो को लाइक भी करोगे। यहाँ पे डोर आएगा ना, यहाँ पे डोर आएगा, ओके ये मेरे पास, अरे यार अभी तक हमने ये चीज तो बनाई नहीं है, एक मिनट रुक, क्या नाम इसका मैं भूल गया, अरे भाई ये वुड का है ना, ये तोड़ दिया हमने, इसका नाम क्या था, ये रहा मिल गया मेरे को। अब उनको गाइस स्टोन ब्रिक्स वॉल चाहिए जो मैंने बनाने के लिए रखा हुआ है, मतलब बनाने के लिए क्या उसकी चीजें भी मेरे पास पड़ी है, ठीक ना, देना भाई। मैं कब से पता है तेरे को, वो क्राफ्टिंग टेबल के पास गया और वापस वहां से आ गया, मेरे को लगा कि यार कुछ करेगा अपन, वहां पे बनाया गया, अच्छा किया तेरे पास है, वरना मैं वहां पे वापस जाने वाला था। तो गाइस यहाँ पे हमने सब चीजें कर ली है, आप देख सकते हो। अब ना मैं तुम्हें ऊपर की साइड से भी दिखा सकता हूँ, बट वो बाद में दिखाऊंगा, हमने आधे से ज्यादा देख सकते हो काम हमने कर दिया है। अब इसके ऊपर जो स्लैब लेना है एंड इसके अंदर जो चीजें अब होगी, जिसको अपन लोग फर्निश बोलेंगे, इस घर को पहले तो फर्निश करना होगा, दीवार तो बन चुकी है सैंडस्टोन एंड इसके अलावा वैक्स स्लैब के साथ, अब होगा मेन काम स्टार्ट। तो अभी जो अंदर की डिजाइन होती है ना, इंटीरियर डिजाइन या ये सब जो भी बोलते हैं, वो चीज अभी स्टार्ट होने वाली है, तो भाई बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं, तो वो चीज को करेंगे ही करेंगे। बट उससे पहले मेरे को वीडियो को थोड़ा सा वापस से कट करना होगा, क्योंकि मैं हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं दिखा सकता, वरना वीडियो है भाई 50-60 मिनट का ऐसे हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। तो पहले ना अपन को खाना खा लेने दो, उसके बाद वीडियो कट, तो एडिटर कट कर दो इधर से वीडियो को, तो एडिटर यहां से अपन को वीडियो को करना है प्ले। तो भाई लोग आप लोग देख सकते हो वापस से मैं हाजिर हो चुका हूँ थोड़ा सा वीडियो कट करने के बाद, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं हमारा क्लॉक टावर का काम का चालू था, और ये वही वीडियो है यार, उसके बीच में ही मैंने कट मारा हुआ है। अभी वो देख के ना तुम चौक मत जाना कि अज्जू भाई यहां तक तुमने चीजें बना दी है, मतलब तुम देख के बोलो कि अज्जू भाई क्या कलाकृति की है। तो आज मैं तुम्हें मेरी ना कलाकृति दिखाता हूँ, तुम्हें देख के पता लग रहा होगा मैंने वो अभिनव ने यहाँ पे एल शेप वाले मकान, एल शेप वाला मकान एक क्लॉक टावर के ऊपर जान डाल दी। अब कैसे डाल लिया जान मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या था वो, तुमने कुछ मारा ना, जो भी है, तो यहाँ पे आप देखो हमने ना ये चीज बना लिया है, क्योंकि मेन चीज गाइस देखो कलाकृति आप देखोगे ना आपको खुद पता लगेगा कि नहीं यार अज्जू भाई ने कलाकृति की है, मेहनत तो की है। अब अभिनव ने भी मेरी जितनी मेहनत की है, तो सिंपल सी बात है अभिनव के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। अब देखो चीजें यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हमें बनानी थी ये क्या बोलते हैं खिड़कियां। अब खिड़कियां की कलाकृति भाई बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि हमें खिड़कियों का पता नहीं था कि खिड़कियां कहाँ कहाँ पे होती है, सब चीजें हमने देखा, फिर इधर आके वापस से उसको तोड़ा रखा, ये सब चीजें किया हमने ना। सबसे पहले तो सैंड स्टोन स्लैब जो आता है उसको बनाया, क्योंकि अगर हम ये चीज को तोड़ रहे थे ना तो इश्यू हो रहा था, हमें एक स्लैब भी चाहिए था, तो ये भी बनाया एंड उसके अलावा हमने एक डोर भी बना लिया। अब यहाँ पे अभी ऊपर अपन को ये चीज वापस से करनी थी, ये वाला एक ऊपर जो आता है ना एक दीवार बनाना था जिससे लगे कि नहीं यार घर बना हुआ है, तो उसके लिए हमें वापस से चाहिए था ये वाला स्टोन, अगर आप लोग नहीं जानते स्टोन ब्रिक्स, तो वो भी लगाया और वापस से हमने यहाँ पे लगाया जो आता है ना स्टोन, वो इसको क्या मैं नाम भूल गया, देखो इतने सारे नाम है ना मैं कभी कभी भूल जाता हूँ उसके लिए सॉरी, तो वो सब चीजें करके ना यहाँ तक हमने बना लिया। अब जो मेन चीज बची हुई है घर, तो अभी डायरेक्ट अभी मतलब मैं और अभिनव डायरेक्ट अभी घर बनाएंगे और वापस से वीडियो को थोड़ा कट करते हैं। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था भाई लोग देखो मैं बताता हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे बन चुका है एक रास्ता, ये अपना कमरा बनेगा, इधर रूमे बनेगी एंड इसके जैसे ही रूम इधर भी बनेगी, इधर की साइड भी देख रहे हो, मतलब कलाकृति अपनी नेक्स्ट लेवल की है। अभी देखो ये सभी चीजों को मैं हटाऊंगा, यहाँ पे अपन लोगों को स्टेयर बनानी है, तो स्टेयर बनाने के लिए नीचे का रास्ता भी तो दिखना चाहिए कि नहीं यार असली क्लॉक टावर में है, कोई बंदा माइनक्राफ्ट के क्लॉक टावर में है ना तो पता लग जाना चाहिए कि नहीं फ्री फायर के अंदर भी ऐसा ही क्लॉक टावर है। तो अपन सेम टू सेम वैसा ही बनाने की ट्राई कर रहे हैं, और उसी बीच में आप लोगों से लाइक करने के लिए बोल रहा हूँ, बट पता नहीं कोई लाइक करता है कोई नहीं करता, भाई जब अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, बाकी ना मैं देखो अभी कैसे करता हूँ। यहाँ पे अपन को लगाना है वैक्स स्लैब, अभी वैक्स स्लैब क्या है आप लोग जानते हो, लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया, लकड़ी का टुकड़ा नहीं, इसको बक्से बोलेंगे ना लकड़ी के जो भी बोलते हैं ये, मतलब कि इधर लगाने का ऐसा। अब देखो एकदम बढ़िया लुक देगा, अभिनव चाचा वीडियो बना रहा हूँ इतना फटाफट मत लगाओ, क्या बोलूँ यार, चलो कोई ना मैं ही लगा दूंगा। ओके अभिनव तो भड़का हुआ आशिक है गाइस, पता नहीं तुम्हें बता दो, अभिनव का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है इसलिए वो गेम में आया है। देखो तो अभिनव से पहले मैंने बना लिया है चीज़, और देख सकते हो वो, अच्छा मेरे को एक और चीज़ करनी थी, वो मैं यहाँ पे एक चीज़ को लगाना भूल गया, एक लाइन एक और हमें करनी थी,
जो कि मैंने और अभिनव ने दोनों वीडियो देख के काउंट किया था, मानो या ना मानो काफी हार्ड है चीजें, क्योंकि वीडियो देखना फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना काफी हार्ड रहता है। तो यहाँ से बनेगी स्टेयर, ऊपर की साइड जाएगा ना ऐसे, और इधर गन निकाल के दे दन दना दन। तो ये चीज थी, अभी वीडियो को वापस से मैं करने वाला हूँ कट, और डायरेक्ट मिलते हैं एक और चीज बनाने के बाद, ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। अब देखो सिंपल सी बात है, अपन ऐसे इधर खड़े रहेंगे और एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो पहले मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत हो गया, मैं अभी करने वाला हूँ सुसाइड, क्योंकि हम 3.5 घंटे से माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं और क्या कुछ नहीं मिला आज आप सुसाइड, बट मैं जिंदा हूँ। अभी ना मैं बताता हूँ तुम लोगों के, अभिनव के बच्चे ने और मैंने मिलकर क्या बनाया है। अब यहाँ पे ये चीज देखने के बाद तुम बोलोगे अति उत्कृष्ट, जो भी तुम्हारे दिमाग में हिंदी आता है ना सबसे स्ट्रॉन्ग वाला वर्ड वो तुम बोलोगे। अभी काम का तुम देखोगे ना तुम चौक जाओगे, तुम बोलोगे अज्जू भाई चौका दिया तुमने। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ तक का काम कर लिया है, देख रहे हो। अभी ना रूम तुम्हें मैं पहले दिखाता हूँ, बाजू वाली जो रूम हमने बनाई इसके अंदर ललन टॉप वगैरह सब कुछ डाला है, बट इधर से मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे को वापस से तोड़ना होगा, मैं तोड़ देता हूँ, चलो बाद में लगा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ललन टॉप के साथ ये वाला कमरा जो है हमारा सज चुका है, इसको देखो तुम्हें दिखाने के लिए ना तोड़नी पड़ती है चीजें, पर तुम वरना समझते नहीं हो कि यार अज्जू भाई कैसे ऐसा तुम बोल देते हो। यहाँ पे ये देखो ये वाला रूम भी इतना मस्त रूम है कि नहीं, इसी बात पे इस रूम के लिए लाइक बनता है अपने। यहाँ पे हमने ललन टॉप लगाया, लैंटन, मैं इसको ललन टॉप बोल देता हूँ गलती से, उसके लिए सॉरी। तो लैंटन लगाया, उसके अलावा भी हमने एक और चीज की हुई है। अगर तुम लोग बोल रहे हो अज्जू भाई तुमने इतना ही किया, ना मुन्ना ना, अभी तो शुरुआत, इधर आओ ऊपर देखो स्टेयर के साथ ये सब चीजें बनाई हुई है, देख रहे हो। अभी इसके ऊपर पूरा मकान बनेगा छापरे के साथ, वो बनाने में टाइम लगेगा, बट पहले हमें ये वाली जो सीढ़ियां यहाँ पे बनाई है ना ये इधर भी बनानी है। अभी ना मैंने अभिनव को रोक के रखा है कि अभिनव भाई थोड़ा शांति रखो, वीडियो बनाने दो, रिकॉर्डिंग भी करने दो, मतलब बनाते जाएंगे लोगों को दिखाएंगे क्या फिर। तो अभी अपन लोग ट्राई करते हैं इस घर को कंप्लीट करने की, आ जाओ। तो अभिनव भाई चलो यार पाए डालना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और बना लेते हैं जैसे हमने वहां पे वो चीज बनाई थी वैसी सेम टू सेम इधर भी। अरे यार देखो मैंने हक दिया, मैं जब भी रिकॉर्डिंग करता हूँ ना गाइस तब मैं हकता हूँ, वरना अभिनव भाई से पूछो एक चीज में नहीं हकता, ऐसा बना देता हूँ ना फाड़ू चीज। अभिनव भाई भी बोलते अज्जू भाई एक मिनट को। अरे देखो मैंने एक वापस से गलती की है, वो है मैंने इधर देखो दो चीज और कर दी, हक दिया, ये देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे, जबकि ये चीज नहीं डालनी थी। अभी मैं वापस से वीडियो को कट करने वाला हूँ, क्योंकि अपन को फालतू गिरी नहीं मांगता, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना मांगता है, तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थोड़े समय के बाद आप सबका मैं स्वागत करता हूँ एक और बार। यहाँ पे हमने काफी सारी चीजें और भी बना ली है, मैंने जैसे बोला था अपन लोग और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें इस घर के साथ करने वाले हैं, मतलब क्लॉक टावर है, इसका मतलब ये नहीं कि क्लॉक टावर का घर क्लॉक टावर जैसा ही बनेगा। अब अज्जू भाई बना रहे क्लॉक टावर, तो कुछ तो चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी कि होगी, मतलब होनी ही चाहिए, पर वो हमने करी भी है। मतलब हमने दोनों साइड लगाया स्टेयर। अब प्रीपेयर में क्या होता है, एक ही साइड से स्टेयर होने से ये होता था कि हम मतलब रश करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, बट मैंने सोल्यूशन निकाला, हमने दोनों साइड मतलब चारों साइड, यहाँ पे स्टेयर है, यहाँ पे स्टेयर है, यहाँ पे भी स्टेयर है, यहाँ पे भी स्टेयर है। अब देखो इधर से अपन ऊपर जाएंगे तो इधर आ गए, अपन इधर से इधर आके इधर से नीचे जाएंगे तो इधर आ गए, अपन इधर से ऊपर जाएंगे, रुको एक मिनट ऊपर जाने, तो इधर आ गए, अब इधर से अपन लोग इधर आएंगे तो इधर आ गए। मतलब घुमा फिरा के बात वही है कि अपन लोग इधर आके खड़े रहेंगे और कुछ नहीं करने वाले हैं। अभी इतनी चीज बनने के बाद आप लोगों का आइडिया लग चुका होगा कि काम बहुत बेसब्री से इतना आगे मतलब इतना नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है कि भाई अब रोक नहीं सकते। अब एक और चीज हमने यहाँ पे घर के अंदर एक रास्ता भी बना दिया, मतलब खिड़कियां भी बना दी है, एक डोर है मेन डोर जिसके अंदर से आप लोग जा सकते हैं, और हर एक जगह पे रास्ता देख लो तुम लोग, मतलब ये रास्ता पूरा भरचक है। इसके अलावा खिड़की भी सब जगह पे लगा दी है, ललन टॉप हर एक जगह पे लग गया, मतलब लैन टॉप भी क्या बोले इसको, लालटन सॉरी जो भी है इसका नाम, वो हमने सब जगह पे यहाँ पे लगा दिया है। तो अभी इतना काम होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हमें ऊपर की साइड जो है ना ये वाला घर को कंप्लीट करने के लिए छापरे वगैरह के साथ एक वो स्लैब लेना होगा, वो भी ले गए। तो अभी वो चीज थोड़ी बहुत चीज इस वीडियो के अंदर कर देते हैं, बाकी हम लोग पार्ट नंबर 3 के अंदर इसके साथ मिलेंगे। पर तब तक लेना अपन लोग जितनी चीज कर सकते इस एपिसोड के अंदर करने की ट्राई करेंगे। तो आ जाओ थोड़ा सा काम काज और भी जोर जोरों से जोरों शोरों से करते हैं, थोड़ा इन्वर्टरी के पास जाते हैं, अपने वहाँ इन्वर्टरी क्या इसका नाम क्या है चेस्ट के पास जाते हैं, थोड़ी बहुत चीजें चेस्ट के अंदर से लेनी वो भी ले गए, और अभी के लिए सो जाते हैं। सबसे बढ़िया बात है कि सो जाए तो इससे बेटर कोई चीज हो नहीं सकती है। तो भाई लोग यहाँ तक तो हमने बना लिया है, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हो कि काफी सारी चीजें बना ली थी, बट एक और चीज हमने ऐड करी है। अब यहाँ पे कुछ सारे लोग जो है ना माइनक्राफ्ट के फैन और जो फ्री फायर के फैन है, जो माइनक्राफ्ट के फैन तो है ही है बट फ्री फायर के फैन है, वो नाराज हो जाएंगे यार फ्री फायर के अंदर तो क्लॉक टावर की तुमने बेइज्जती मार दी है, मतलब माइनक्राफ्ट के अंदर जो क्लॉक टावर बनाया है उसकी तो बेइज्जती मार दी है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी सीढ़ियां बना दी थी, बट मैंने उन लोगों का दिल रखने के लिए यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया है, इस साइड पे भी रास्ता बंद है। अब यहाँ पे दो साइड से ही रास्ता खुला है जिससे हम लोग ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद मेन चीज स्टार्ट होती है, देख रहे हो
यहाँ तक की चीजें हमने बना ली है, मतलब कहाँ पे खिड़कियां रहेगी, कौन सी चीज कहाँ पे बनेगी, सब चीजें हमने कर लिया है। अब ये चीज भी मैंने बना ली थी, बट मैंने अभिनव को बोला यार ये थोड़ी चीजें हटा दे, लोगों को बनाते हुए भी तो दिखने चाहिए, वर लोग बोलेंगे इतना जल्दी कैसे, हमने 3-3.5 घंटे डाले हैं, तो अपन को एक घर बनाना तो बनता है। तो आज यहाँ पे फेंस लगा देते हैं, इसे ऐसे ऐसे फेंस लगा दिए, इधर एक दो फेंस इधर लगा देते हैं, तो ये बन गया अपना काम। अभी वापस से अपन लोगों को काम पे लगना होगा, और यहाँ पे मुझे पहले ना गेम के अंदर जाना होगा, मतलब गेम का जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया क्लॉक टावर वाला, मेरे को और अभिनव को दोनों को देखना होगा अब आगे कौन सा स्टेप लगे, क्योंकि भाई मैं सच बता रहा हूँ इसके अंदर बहुत ज्यादा झोल है, बहुत मगजमारी है क्लॉक टावर बनाने के लिए, और जो मगजमारी से जो मगजमारी मतलब क्या बोलूँ, सर दर्द करने लगे था, इतनी मगजमारी इतने अंदर, अब मैं क्या ही बोलूँ, कमेंट्री भी नहीं कर पा रहा हूँ, समझ रहे हो तुम लोग, इसी बात पे लाइक ठोको, बाकी मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं अपन लोग। तो भाई लोग मैंने और अभिनव ने यहाँ पे करीबन 5-6 घंटे देने के बाद थोड़ा बहुत तो रिजल्ट आप लोगों को दिखाने के लिए बना दिया है, मतलब घर काफी हद तक बन चुके हैं, यहाँ पे भी फेंस लगा दिया है, कमरे भी बन चुके हैं, एंड हमारी एनर्जी भी लो हो चुकी है, यहाँ पे सब जगह पे ललन टॉप लगा दिया है, यहाँ पे खिड़कियां बना दी है, एंड उसके अलावा सब कमरे देख लो, मतलब कमरे एक से एक बढ़िया तरीके से बनाए हैं, और आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और भाई बहुत ज्यादा टाइम लगा है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना, बाकी अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि अभी ना हमें और भी सैंड के साथ है, जो सैंड है उसका सैंड स्टोन बनाना है, एंड और भी बहुत सारी चीजें करनी है, जिसके लिए मुझे चाहिए टाइम, और डिजर्ट के अंदर एक और बार हमें जाना होगा आई थिंक, क्योंकि सैंड जो है हमारे पास खत्म होने वाली है, तो सैंड लेने के लिए डिजर्ट के पास जाएंगे, डिजर्ट के अंदर से सैंड निकालेंगे, एंड वापस से वहीं गधा मजूरी करने वाली चीज है यहाँ पे, तो वो चीज हम लोग करेंगे, बट वो सब चीजें आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट पार्ट के अंदर। इस वीडियो के अंदर आप लोग 1,00,000 लाइक और 30,000+ कमेंट करवा देते हो तो तुरंत ही वो नेक्स्ट पार्ट इसका आ जाएगा, मतलब थोड़े समय में ही आ जाएगा। तो 30,000 कमेंट और 1,00,000 लाइक का टारगेट है, जिसने भी लाइक नहीं किया कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट के अंदर कोई भी चीज लिखो, बट लिखो जरूर। तो ये था हमारा क्लॉक टावर जिसको हमने बना लिया है, वैसे ये वाला कमरा मैंने आपको नहीं दिखाया, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें होने वाली है, ये सीक्रेट है कमरा, बट वो भी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा। चलो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय, आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और चलो यार और क्या, बाय 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 बाय।